इस बार माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को पड़ रही है। माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन गंगा, नर्मदा एवं पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं ज्योतिष आचार्य की बात माने तो माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा माघ पूर्णिमा के रूप में जानी जाती है। माघ पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सारी कमी पूरी होती है। माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा माघी पूर्णिमा कहलाती है। यह पूर्णिमा भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन के लिए और भगवान शिव शंकर की पूजन के लिए बहुत प्रशस्त और पुण्यदायी मानी गई है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। माघ के महीने में पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाना चाहिए और संगम में स्नान करना चाहिए। और जो व्यक्ति इस प्रकार माघ का स्नान करता है, संगम में स्नान करता है, पवित्र नदियों में स्नान करता है, वह कल्पवास की परंपरा से अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को पवित्र करता है, पवित्र हो जाती है। पुराणों के अनुसार जब गौतम ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया था तो गौतम ऋषि के दिए गए श्राप से मुक्त होने के लिए देवराज इंद्र ने माघ के मास की पूर्णिमा के दिन गंगा यमुना सरस्वती के संगम अर्थात प्रयागराज में स्नान करके अपने श्राप से वे मुक्त हुए थे। इस माघ की पूर्णिमा के दिन स्नान दान जप करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। धन दान सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, भगवान शिव शंकर का पूजन करें, गाय को हरा चारा दें। ब्राह्मणों को इस दिन अन्न दान देना चाहिए, वस्त्र दान देना चाहिए और यथासंभव सभी जरूरतमंद लोगों की सहायता करना चाहिए। ऐसा करने से नवग्रह शांत होते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति होती है।